पैसा सारे फसाद की जड़ होता है, मनी इज ईविल। पता नहीं ये कौन से महान इंसान ने बोल दिया। अपने 32 सालों में तो मैंने ये सीखा है कि पैसा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मैंने अपना घर खरीदा, पढ़ाई पूरी की और फैमिली को भी देख रही हूँ। ये सब करने के लिए आप खुद काम तो करते ही हैं, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को भी काम पर लगाएं। मेक योर मनी वर्क फॉर यू, और उसके लिए पर्सनल फाइनेंस सीखना ज़रूरी है, और इस वीडियो में हम वही करेंगे। अगर आप ज़ीरोधा या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप स्टॉक्स बाय और सेल करना सीख जाएंगे। क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा ट्रेडिंग टर्मिनल काइट के बेसिक फीचर्स, जिनको यूज़ करके आप स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग का लाइव डेमो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि डिलीवरी का लाइव डेमो, और अंत में मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप ताकि आप स्टॉक मार्केट में पैसे गवाएं नहीं बल्कि कमाएं। तो चलिए काम की बात करते हैं। अगर आपने ज़ीरोधा का अकाउंट अभी तक नहीं खोला तो फिक्र मत करिए। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज़ करके अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये 7 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कोर्सेज मिलेंगे, जो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में सिखाएंगे, वो भी फ्री। बस नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए, और ज़ीरोधा की टीम आपको अकाउंट ओपनिंग में मदद कर देगी। तो अकाउंट ओपन करने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरह का मेल आएगा ज़ीरोधा से, जिसमें आपका काइट यूज़र आईडी और पासवर्ड लिंक होगा। ये लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड और पिन सेट कर लीजिए। अब प्ले स्टोर में जाइए और काइट ऐप इंस्टॉल कीजिए। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगी और लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें जो आपने अभी अभी सेट किया है, फिर अपना पिन एंटर करें। आपके लॉगिन करते ही आपको ये मार्केट वॉच वाली स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पर 5 लिस्ट होंगे, वॉच लिस्ट 1, 2, 3, 4 और 5। आप यहाँ वो कंपनीज ऐड कर सकते हैं जो आप रेगुलरली ट्रैक करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ITC के शेयर्स NSE पे ट्रैक करने हैं तो मैं ITC सर्च करूँगी और इस प्लस बटन को क्लिक करूँगी और ITC मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। 5 वॉच लिस्ट होने का फ़ायदा ये है कि आप अलग अलग तरह की कंपनियों के लिए अलग अलग वॉच लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्सेस ट्रैक करने के लिए 1 वॉच लिस्ट, ब्लू चिप कंपनीज के लिए 1, फिनटेक कंपनीज के लिए 1। आप इन वॉच लिस्ट को रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसको रीनेम कर रही हूँ टू माई फर्स्ट स्टॉक्स। अब मैं इसमें दूसरे कंपनीज भी ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि इन्फी, विप्रो, TCS। आप हर वॉच लिस्ट में 50 कंपनीज तक ऐड कर सकते हैं। इस डेमो को सिंपल बनाने के लिए हम सिर्फ ITC रखेंगे और बाकी डिलीट कर देंगे। बस प्रेस और होल्ड कीजिए किसी एक कंपनी पे और ये एडिट वॉच लिस्ट वाली स्क्रीन आ जाएगी। इस लिस्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करिए और सेव पे क्लिक करिए। अगर मैं कोई भी कंपनी पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि ITC, तो ऐसी वाली विंडो पॉपअप होगी। आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम इनमें से कुछ पैरामीटर्स का मतलब समझें। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको बताता है कि इस टाइम स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है। परसेंटेज चेंज आपको बताता है कि कितने परसेंट या पॉइंट से ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस पिछले दिन के प्राइस से अलग है। अगर आज का प्राइस पिछले दिन से बेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप बाय, सेल और क्रिएट GTT कर सकते हैं। मैं आपको ये कैसे यूज़ करते हैं कुछ समय में बताऊँगी। यहाँ लेफ्ट पर आपको व्यू चार्ट दिखेगा, इसको क्लिक करके आप चार्ट्स को इन्वोक कर सकते हैं और अपना पसंदीदा स्टाइल चूज कर सकते हैं। वापस चलते हैं। यहाँ आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज वैल्यूज दिखेंगे, यानी कि क्या प्राइस पे स्टॉक क्लोज हुआ था पिछले दिन, आज किस प्राइस पे ओपन हुआ है और आज कितना हाई और लो गया था, और वॉल्यूम से पता चलता है कि इस टाइम पर कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ITC का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 196, जो अभी ट्रेड्स जो हो रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पिछले दिन का क्लोज है 202.10, ये आज ओपन हुआ है 206 पे। आज के दिन का ITC का हाईएस्ट और लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस है 209.4 और 195.55। ये है मार्केट डेप्थ, जो आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस दिखाता है। अब ये क्या है? जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो ऑब्वियसली किसी सेलर से खरीदेंगे ना,
तो सेलर आपसे जो प्राइस मांग रहा है उसको बोलते हैं आस्क प्राइस, जो रेड में होता है। वैसे ही बायर भी उसी प्राइस पे बाय करना चाहेगा जो उसके हिसाब से सही हो। तो जिस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है उसको बोलते हैं बिड प्राइस, और वो ब्लू में होता है। तो अगर आप बाय का मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो मैं आपको कुछ मिनटों में बताऊंगी, तो आप उस सेलर से बाय करेंगे जो सबसे लोएस्ट आस्क प्राइस मांग रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये स्नैप कोट विंडो। नॉर्मली इस विंडो में आपको सिर्फ टॉप 5 बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे, मगर ज़ीरोधा के नए फीचर 20 मार्केट डेप्थ या लेवल 3 डेटा की वजह से आप सिर्फ 5 नहीं बल्कि 20 कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, और ये आपको बेटर प्राइस पॉइंट्स पे ट्रेड करने में काम आएगा। अगर आपको अभी मार्केट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो फिक्र मत करिए, जब आप थोड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको ये सारे ऐप्स दिखेंगे जो ज़ीरोधा से इंटीग्रेटेड है। मुझे ये फंडामेंटल्स विजिट सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ आप किसी भी कंपनी का क्विक ओवरव्यू, इवेंट्स और न्यूज़ देख सकते हैं। ये आपके फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम काम आएगा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे। अब यहाँ एंड में एक छोटा सा क्यूट सा फीचर है, पिन टू ओवरव्यू। नॉर्मली आपको मार्केट वॉच के टॉप पर निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक इंडेक्सेस दिखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इनको अपने फेवरेट स्टॉक से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ ITC रखना है, तो मैं बस पिंटो ओवरव्यू पे जाऊंगी और एक स्पॉट पिक करूंगी, एक या दो। मैंने 2 पिक किया और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्केट वॉच के ऊपर पिन हो गया है। ओके, अब बहुत ज्ञान हो गया है, अब बाय ऑप्शन देखते हैं। बाय बटन को क्लिक करते ही आपको ये फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे क्वांटिटी का बॉक्स है जहाँ आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो एंटर करेंगे, और यहाँ जो प्राइस ऑटोमेटिकली लोड होगी वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी। CNC का मतलब है कैश एंड कैरी। जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने ब्रोकर को बोल रहे हैं कि मैं इन शेयर्स को अपने साथ कई दिन, महीने या सालों तक रखना चाहता हूँ अपने डीमैट अकाउंट में। CNC लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। MIS का मतलब है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये ऑप्शन आप तब चूज़ करेंगे जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडर्स इसको इस इच्छा से यूज़ करते हैं कि स्टॉक्स को कम दाम में बाय करें और उसी दिन ज़्यादा प्राइस में बेच दें। अगला आता है ऑर्डर टाइप। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। मार्केट ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आप जो भी मार्केट प्राइस अवेलेबल हो उसी पर स्टॉक्स खरीदना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो प्राइस ऑटोमेटिकली लोड हुआ है वो है 196, लेकिन अगर आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया और उसी समय मार्केट प्राइस ऊपर चला गया 200 पे, तो आप ITC को 200 पे खरीदेंगे, ना कि 196 पे। मतलब जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि आखिर में किस प्राइस पे लेन देन होगी। पर वैसे देखा जाए तो ये छोटे मोटे मार्केट चेंजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मैटर नहीं करते। अगला ऑप्शन है लिमिट। अगर आप अपने ही प्राइस पे स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर यूज़ कीजिए। तो ITC का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 196, मगर मान लीजिए आप ये स्टॉक 190 में ही खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ 190 लिखकर लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। दिक्कत ये है कि अगर आज के दिन मार्केट प्राइस 190 या उसके नीचे नहीं जाता तो आपको ये शेयर्स नहीं मिलेंगे। कुछ ही मिनटों में मैं आपको लिमिट ऑर्डर का डेमो दूंगी और दिखाऊंगी कि ये सब कैसे काम करता है, और अगर आपको स्टॉक्स नहीं मिलते तो आपके पैसों का क्या होगा। अगला ऑप्शन है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। ये ऑप्शन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पे प्रोटेक्ट कर सकता है। देखिए, शायद आपको ये डर हो कि ट्रेडिंग के टाइम पे अगर कोई स्टॉक की वैल्यू आपके पसंद के विपरीत जाए तो शायद लॉस हो जाए। तो जो ऑर्डर आप इस लॉस को लिमिट करने के लिए लगाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने ITC को 195 रुपीज़ में ख़रीदा ये सोच के कि फ्यूचर में 220 हिट करेगा, लेकिन अगर उसका प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया तो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए पहले ये डिसाइड करिए कि आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं। सपोज़ आप 195 से मैक्स 190 तक का ही रिस्क लेना चाहते हैं, जो 5 रुपये का लॉस है। तो जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप ब्रोकर को बोल रहे हैं कि अगर प्राइस 190 हिट करेगा तो मैं ये स्टॉक को बेचकर इस लॉस मेकिंग पोजीशन से निकलना चाहता हूँ, पर अगर मार्केट प्राइस 190 के ऊपर ही रहेगा तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर इनएक्टिव ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस एक पैसिव ऑर्डर है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक ट्रिगर प्राइस की ज़रूरत होती है। सेल के लिए ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए,
जो एक थ्रेशोल्ड की तरह एक्ट करता है। तो इस सिनारियो में ट्रिगर प्राइस हम 191 पे सेट करेंगे। अगर मार्केट प्राइस 195 से गिर के 191 को हिट करता है तो ये वाला स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एक्सचेंज को हिट करेगा, और जब मार्केट प्राइस 190 तक पहुंचेगा आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स ये उम्मीद में थे कि प्राइस ऊपर जाएगा तो वो SL ट्रिगर्स यूज़ करते हैं बेचने के लिए अगर प्राइस नीचे की ओर जाना शुरू कर दे। लेकिन अगर ट्रेडर्स ये उम्मीद में थे कि प्राइस नीचे जाएगा तो वो यही SL ट्रिगर्स यूज़ करेंगे ख़रीदने के लिए अगर प्राइस ऊपर जाए करंट मार्केट प्राइस से। ये ऑप्शन थोड़ा सा पेचीदा है, पर टेंशन मत लेना, ये सेक्शन को एक बार और देखिए और अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके पूछिए। और जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वैसे वैसे ये ऑप्शन समझ में आने लगेगा। अगला ऑप्शन है स्टॉप लॉस मार्केट, जो स्टॉप लॉस की तरह ही है। मेन अंतर ये है कि लिमिट सेट करने के बजाय आप मार्केट प्राइस पे ही बाय या सेल करेंगे। एग्जीक्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट यूज़ करें स्टॉप लॉस की जगह। जब आप CNC सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शंस दिखेंगे, सेट स्टॉप लॉस और सेट टारगेट, जो GTT के ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको GTD समझाऊंगी कुछ मिनट में। अब देखते हैं वैरायटी को। पहले हमारे पास है रेगुलर ऑर्डर्स, ये टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं। डे डिफॉल्ट ऑप्शन है, जिसका मतलब ये है कि ऑर्डर एंड ऑफ द डे तक वैलिड रहेगा। IOC इमीडिएट और कैंसिल का मतलब है कि अगर प्लेस करते ही ऑर्डर इमीडिएटली कंप्लीट नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, एंड ऑफ द डे तक नहीं रुकेगा। फिर आता है ब्रैकेट ऑर्डर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप ब्रैकेट ऑर्डर तब यूज़ करते हैं जब आप ट्रेड करना चाहते हैं एक टारगेट ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ। टारगेट ऑर्डर से ये होगा कि अगर मार्केट प्राइस बढ़ते बढ़ते आपके टारगेट ट्रिगर को हिट करेगा तो आपके शेयर्स बिक जाएंगे और आप प्रॉफिट बुक करेंगे। और स्टॉप लॉस ऑर्डर से ये होगा कि अगर मार्केट प्राइस स्टॉप लॉस ट्रिगर से नीचे जाए तब भी आपके शेयर्स बिक जाएंगे और आप इस लॉस मेकिंग पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली आप एक ब्रैकेट के साथ ट्रेड में एंटर हो रहे हैं कि मैक्सिमम मैं इतना अर्न करना चाहता हूँ और मैक्सिमम मैं इतना लूज करने के लिए तैयार हूँ। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप ITC पे 195 का लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आप इस ट्रेड पे 10 रुपये से ज़्यादा यानी कि 185 रुपीज़ के नीचे नहीं लूज़ करना चाहते, तो यहाँ स्टॉप लॉस में 10 सेंटर कीजिए। ये आपके ब्रैकेट की लोअर एंड है। फिर टारगेट में आप जो मैक्सिमम नंबर गेन करना चाहते हैं वो एंटर करिए। मान लीजिए आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस 15 रुपये तक ऊपर जाएगी टिल 210, और जब जाएगी तब आप सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो टारगेट में 15 एंटर करिए। ये आपकी ब्रैकेट का हायर एंड है। और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 1 एंटर कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ITC का मार्केट प्राइस एक पॉइंट से ऊपर जाता है 195 से 196 तक, तो स्टॉप लॉस यानी कि ब्रैकेट का लोअर एंड जो मैंने अभी 185 पे सेट किया है वो भी एक पॉइंट से ऊपर जाएगा 186 पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपकी कोई भी प्रॉफिट पोजीशन लॉस में ना बदले। बेसिकली आप ब्रैकेट ऑर्डर से मार्केट में 3 ऑर्डर्स के साथ एंटर हो रहे हैं। जैसे ही मेन लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो सिस्टम 2 और ऑर्डर्स प्लेस करेगा, एक प्रॉफिट टेकिंग और दूसरा स्टॉप लॉस। जब इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा यानी कि प्रॉफिट टेकिंग या स्टॉप लॉस, तो दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगला है कवर ऑर्डर। ज़ीरोधा जैसा प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी लेवरेज देता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपना रिस्क रिड्यूस करें। तो कवर ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसके साथ एक कंपलसरी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है। इससे आप में डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि अगर आप सेपरेट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे जैसे कि हमने पहले देखा था, अगर प्राइस नीचे जा रहा हो और आपको और रिस्क लेने का मन करे तो शायद आप उस स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। लेकिन कवर ऑर्डर में एक कंपलसरी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है जो कैंसिल नहीं होता। आप ये स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं पर सिर्फ 1.5% की रेंज में, उससे नीचे नहीं। कवर ऑर्डर से आप अपने लॉसेस को लिमिट करते हैं। कवर ऑर्डर के बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं।
नंबर एक, अगर आप कवर ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर से प्लेस करेंगे तो मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों एक साथ प्लेस होंगे, लेकिन अगर आप कवर ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर के साथ लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस तभी प्लेस होगा जब मार्केट आपके सेट करे हुए लिमिट को रीच करेगा। उसके बाद आता है AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इस ऑप्शन से आप अगले ट्रेडिंग डे के ऑर्डर्स एक दिन पहले ही कर सकते हैं। 3:45 PM टू 8:59 AM के बीच में आप AMO के एक्विटी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और फाइनली डिस्क्लोज क्वांटिटी यूज करके आप चाहो तो मार्केट स्क्रीन पे सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी का एक पार्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 200 शेयर्स खरीद रहे हैं और सिर्फ 100 डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो ये यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। इससे पहले कि हम बाय और सेल करें, GTT जो एक नया फीचर है उसको भी समझ लेते हैं। GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर्स। ये ऑप्शन डिलीवरी के लिए यूज होता है, यानी कि फ्यूचर में स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करने के लिए। देखिए, हर ट्रेडिंग दिन के अंत में सारे ऑर्डर्स जो कंप्लीट नहीं हुए हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इस नए GTT फीचर की मदद से आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं स्टॉक्स को बाय करने के लिए जब भी उसका प्राइस आपके पसंदीदा प्राइस तक पहुंचेगा, चाहे वो एक महीने के बाद हो या 2 महीने या 3 महीने। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अभी ITC का करंट प्राइस है 196, मगर मुझे ITC के 10 शेयर्स तभी खरीदने हैं जब प्राइस गिर के 180 हो जाएगा, तो मैं ट्रिगर प्राइस लगाऊंगी 181 का, ताकि 181 पे ये GTT ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए और 180 तक मुझे मेरे 10 शेयर्स मिल जाए। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास 10 ITC शेयर्स है अपने डीमैट अकाउंट में और आप उसको सेल करना चाहते हैं फ्यूचर में जब भी उसका मार्केट प्राइस एक सर्टेन फिगर को रीच करेगा। तो करंटली ITC का प्राइस है 196, सेल को सेलेक्ट करते हैं, सिंगल ट्रिगर को सेलेक्ट करते हैं और मेरा मानना यह है कि हाईएस्ट ये स्टॉक की प्राइस 270 तक जाएगी और जब जाएगी मैं अपने 10 शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ। तो इस ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए मैं ट्रिगर प्राइस 265 पे सेट करूँगी, तो 265 पे ये ऑर्डर ट्रिगर होके एक्सचेंज पहुँचेगा और 270 पे मेरे शेयर्स बिक जाएंगे। ये थे सिंगल ट्रिगर्स। अगला ऑप्शन है OCO, वन कैंसल्स द अदर ट्रिगर। इसको यूज़ करके आप स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रिगर दोनों ही सेट कर सकते हैं। इन दोनों में से जब भी कोई ट्रिगर हिट होगा तो ऑर्डर एक्सचेंज पे पहुंच जाएगा और आपका दूसरा ट्रिगर कैंसिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ITC का करंट प्राइस 196 के आसपास है, लेकिन अगर ITC गिर के 160 तक पहुंचता है तो मैं इसको बेच के एग्जिट करना चाहती हूँ, तो मैं SL ट्रिगर लगाऊंगी 162 पे। तो जब मार्केट प्राइस गिर रहा होगा और 162 पहुंचेगा तो मेरा ये SL ऑर्डर एक्टिवेट होगा और जब तक 160 पहुंचेगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही अगर मार्केट प्राइस ऊपर की ओर जाता है, मान लीजिए 270 तक, तो मैं अपने शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, तो मैं ट्रिगर प्राइस रखूँगी मान लीजिए 265 का। तो जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा और इस ट्रिगर प्राइस को हिट करेगा तो ये सेल ऑर्डर एक्टिवेट होके एक्सचेंज पे पहुँचेगा और 270 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट होगा। है ना बढ़िया ऑप्शन। अब GTT के बारे में 3 अहम बातें जान लीजिए। आपका ट्रिगर एक टाइम तक और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब ये कि अगर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है और अगर किसी भी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो आपको GTT ऑर्डर फिर से प्लेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप GTT बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपका लिमिट प्राइस हिट होता है तो आपका बाय ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में इनफ फंड्स होंगे उन शेयर्स को बाय करने के लिए। और अगर आपने GTT का सेल ऑर्डर लगाया तो वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास वो स्टॉक्स अपने डीमैट अकाउंट में हों और अगर आपका लिमिट प्राइस हिट करे। थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो शाबाश। अब इस सेक्शन में जब हम शेयर्स बाय और सेल करेंगे तो आपको सब धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो इस डेमो के लिए मान लीजिए कि मुझे ITC के शेयर्स खरीदने हैं, तो पहली चीज आपको फंड्स ऐड करने होंगे। तो इस अकाउंट टैब पे जाइए जो एक्सट्रीम राइट पे है, फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए
मैं यहाँ 1000 रुपये डाल रही हूँ। आपको जो पेमेंट ऑप्शन पसंद है वो सेलेक्ट करिए, UPI, गूगल पे या नेट बैंकिंग। मैंने गूगल पे यूज़ किया। अब पैसे ऐड करने के कुछ देर बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। आप अपने पैसे यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। चलिए अब कुछ बाइंग करते हैं। वापस वॉचलिस्ट में गए, ITC पे क्लिक किया और ये बाय ऑर्डर फॉर्म खोला। यहाँ मुझे ITC के 2 शेयर्स लेने हैं। मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं MIS सेलेक्ट करूँगी। मैं जो भी मार्केट प्राइस अवेलेबल है उस पे बाय करना चाहती हूँ, तो मैंने मार्केट सेलेक्ट किया, फिर रेगुलर ऑर्डर चूज़ किया और वैलिडिटी डे ट्रेड। अब सारे ऑप्शंस चूज़ करने के बाद बाय करने के लिए इस बटन को राइट साइड स्लाइड करें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। एक दिन के सारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आप 2 जगह देख सकते हैं, एक तो ऑर्डर्स टैब पे जाके एग्जीक्यूटेड सेक्शन के अंदर और दूसरा पोर्टफोलियो टैब में जाके पोजीशन सेक्शन के अंदर। अब मान लीजिए कि मार्केट ऑर्डर की जगह मैं 192 पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करके बाय करती हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेड ऑर्डर्स टैब के पेंडिंग सेक्शन में जाएगा और ये यही रहेगा जब तक मार्केट प्राइस मेरे लिमिट ऑर्डर यानी कि 192 तक नहीं पहुंचता। और जब तक ये यहाँ पेंडिंग में है मैं इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती हूँ। तो ये था बाइंग। अब मुझे वो 2 ITC के शेयर्स जो मैंने अभी ख़रीदे हैं वो सेल करने हैं, तो मैं डायरेक्टली पोर्टफोलियो टैब जाऊंगी और पोजीशंस के अंडर वो ITC शेयर्स जिनको बेचना चाहती हूँ उनको सेलेक्ट करके एग्जिट पे क्लिक करूँगी और बस मैंने अपने 2 ITC के शेयर्स बेच दिए। आज के सारे ऑर्डर्स जो आपने प्लेस किए हैं उसको देखने के लिए ऑर्डर्स टैब पे जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी के अभी हमने मार्केट प्राइस पे 2 शेयर्स बाय किए हैं, एक लिमिट ऑर्डर कैंसिल किया है और 2 शेयर्स को मार्केट प्राइस पे सेल किया है। इसी तरह आप काइट ऐप डाउनलोड करके हमने जो आज सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उनको अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं, पर सीखते टाइम कम कम पैसों से शुरुआत कीजिए। और हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आज के कोई ऑप्शंस में से जैसे कि स्टॉप लॉस या ब्रैकेट ऑर्डर में किसी के लिए मैं अलग से डेमो वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर याद रखिए आप बाय या सेल 9:15 AM से 3:30 PM तक कर सकते हैं मार्केट डेज पे, क्योंकि तभी इक्विटी की ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है। लेकिन मार्केट आवर्स बंद होते वक्त आपके सारे इंट्राडे पोजीशंस ज़ीरोधा ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगी, यूजुअली मार्केट क्लोज होने के 10 मिनट पहले। तो टाइम का ध्यान रखिए और अपने सारे इंट्राडे पोजीशंस उससे पहले क्लोज कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी अभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं तो काइट की यूज़र मैनुअल और वो 7 ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कोर्सेज जो हमने पहले डिस्कस किए उसको एक बार अच्छे से ग्रो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो था ट्रेडिंग। पर अगर आपने कोई अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई की और उसके स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं कुछ महीनों या सालों के लिए, तो मार्केट वॉच पे जाइए, उस कंपनी को सेलेक्ट कीजिए, बाय पे क्लिक करिए और यहाँ पर MIS की जगह CNC को सेलेक्ट कीजिए। मैंने मार्केट ऑर्डर चूज़ किया और रेगुलर ऑर्डर बटन स्लाइड किया और हो गया बाय। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेड मेरे ऑर्डर्स टैब में दिख रहा है और मेरे पोर्टफोलियो टैब में भी। सेटलमेंट के बाद यानी कि T+2 डेज के बाद ये जो शेयर्स मैंने ख़रीदे हैं मेरे होल्डिंग्स टैब में भी दिखेंगे। तो होल्डिंग्स टैब में आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं, यानी कि जो भी स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में करंटली हैं। और उसके बाजू वाले पोजीशंस टैब में आप वो सारे ट्रेड्स देख सकते हैं जो आज के दिन में किए हैं। अब फाइनली एक GTT ऑर्डर प्लेस करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। मार्केट वॉच पे वापस जाते हैं, ITC सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट GTT पे क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम GTT ऑर्डर्स फ्यूचर में बाय या सेल करने के लिए प्लेस करते हैं। तो मैं ITC के 10 शेयर्स ख़रीदना चाहती हूँ, पर तभी जब उनका प्राइस नीचे गिरकर 180 तक पहुँचेगा, तो मैं ट्रिगर लगाऊंगी 181 पे, ताकि ये GTT ऑर्डर 181 पे ट्रिगर हो जाए और मैं इस क्रिएट GTT बटन को स्लाइड करूँगी। अब आपको अपने GTT ऑर्डर्स का स्टेटस देखना है तो ऑर्डर्स टैब पे जाइए और GTT सेक्शन पे क्लिक करिए। यहाँ आपको अपने सारे GTT ऑर्डर्स के स्टेटस दिख जाएंगे।
करंटली आप मैक्सिमम 50 एक्टिव GTD ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो काइट टर्मिनल यूज़ करना काफ़ी आसान है। मैंने आपको सारा बाइंग और सेलिंग मोबाइल पे बताया है, पर ये सब आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट ने कहा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जो पैसों को बेसब्र इंसान से सब्र वाले इंसान यानी कि धैर्यवान इंसान को ट्रांसफर करता है। एक बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ एक प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट नहीं है। असल में जिंदगी की तरह स्टॉक मार्केट भी छोटे छोटे फैसलों का मिश्रण है, सही या गलत, जो आगे जाके आपको सही कंपनीज चुनना सिखाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप इस लर्निंग प्रोसेस का आनंद लें, इसको एंजॉय करें। तो आज का बोनस टिप ये है, स्टार्ट स्मॉल। आज 100 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, अगले हफ्ते 500, और पहले सीखिए कि प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, अच्छी कंपनीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्लीज़ पहले दिन इतना सारा पैसा मत लगा दीजिए, सबसे एडवाइस लीजिए, स्टॉक ब्रोकर से, एक्सपर्ट से, पर अंत में आपके स्टॉक मार्केट डिसीजंस के जिम्मेदार आप खुद हैं। तो सीखिए, प्रैक्टिस करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, क्योंकि यही तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्टॉक मार्केट वीडियोस हिंदी में बनाऊं, तो मेरे चैनल किलो हिंदी को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो रिलीज करूं आपको झट से पता चल जाए। मैं हूं तस्कीन, ये है किलो हिंदी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।